केंद्र सरकार ने समय रहते टिड्डी नियंत्रण के प्रयास नहीं किए तो टिड्डी कोरोना से भी भयंकर रूप धारण करेगी, यह कहना है कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का। एवन टीवी से खास बातचीत में चौधरी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में अब सरकार और समाज को मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने आर्थिक पैकेज को देश के लिए निराशाजनक बताया। इस दौरान श्रमिकों को ही हो रही परेशानी सहित कई मामलों पर हरीश चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। देश भर में कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण अभी देश भर में चल रहा है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश की जनता को काफ़ी राहतें राजस्थान सरकार की ओर से दी गई हैं, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या कोरोना वैश्विक महामारी का जो संकट है वो इसी तरह चलता रहेगा, या फिर ये सरकार के जो प्रयास हैं लगातार हालांकि जारी हैं लेकिन किस तरह से सरकार आगे के प्रयास करेगी? हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी। चौधरी साहब, जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण में और ज़्यादा राहतें प्रदेश की जनता को दे दी गई हैं, तो ऐसे में किस तरह से अब कोरोना वैश्विक महामारी से पार पाएंगे? कोरोना के संदर्भ में प्राथमिकता ही बदलती रहती है परिस्थितियों के हिसाब से। आज इस समय अपन बात कर रहे हैं कि आज हम लोगों की प्राथमिकता सरकार और समाज की है कि हम लोग क्वारंटाइन कैसे करें। प्रवासी मजदूर आने के बाद में राजस्थान के अंदर काफ़ी बड़े संख्या के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इसका रोकने का सबसे बड़ा अगर कोई भी आधार बन सकता है तो वो हम लोगों को, जितने प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको हम लोग या तो होम क्वारंटाइन करें नहीं तो कम्युनिटी क्वारंटाइन करें। उसके लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता कि हम लोग सब वो कार्य करें। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो स्थितियां देश में पैदा हुई हैं उसके चलते मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत विजन हाथ में लिया है। ऐसे में एक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, किस रूप में उस पैकेज को आप देखते हैं? हालांकि प्रत्येक वर्ग का, केंद्र सरकार का दावा कि प्रत्येक वर्ग को इस पैकेज में शामिल किया गया है, आत्मनिर्भर भारत बने, ऐसे इस विजन को हाथ में लिया। जब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा हुई तो हम लोगों ने स्वागत किया और ये हम लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये आशा थी कि ये पैकेज हकीकत में पैकेज निकलेगा। कहीं एक वर्ग में जरूर ये शंका थी कि कहीं गुजरात कहीं बिहार के अंदर जो 1.25 लाख करोड़ का विधानसभा के समय जो पैकेज की घोषणा करी गई वैसा कोई जुमला नहीं निकले, पर जब इस पैकेज को पूरी घोषणा हमारी वित्त मंत्री ने की तो ज़्यादातर जो इस वर्ष के बजट के अंदर जो प्रावधान था, हमारा केंद्रीय बजट 30 लाख करोड़ रुपए का सालाना इस वर्ष का साल का था, ज़्यादातर उसी घोषणाओं का जो वित्त मंत्री ने वित्त बजट के अंदर करी थी वही घोषणा का वापस से दोहराया गया। 1-2 लाख करोड़ से कम का रियल पैकेज था वो, अगर बाइफर्केशन करें तो वो 2 लाख करोड़ से कम का पैकेज निकला। सरकार का कहना है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें केंद्र सरकार कर रही है। एक तरफ तो ये बात कर रही है कि हम लोग मजदूरों के लिए ये करेंगे और हकीकत के अंदर मजदूरों के संदर्भ में जो श्रम कानून थे उनकी सरकार ने वो श्रम कानून के अंदर जो मजदूरों का अधिकार था उन अधिकारों को छीना। एक तरफ बात कर रहे हैं कि स्वदेशी के संदर्भ में और दूसरी तरफ FDIs को बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ही ये पूरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, खुद ही एक तरह से कंफ्यूज्ड से हैं। इस कारण जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले ही चरमरा गई थी और विकराल रूप हमको आने वाले समय में दिखेगा। सर, माइग्रेंट्स की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास करे, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको भी उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन अब मजदूरों की मजबूरी पर सियासत, यूपी में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, आप किस तरह सोचते हैं? ये जो माइग्रेंट है उसके संदर्भ में अगर हम लोग उस समस्याओं को आकलन करें तो अगर तय तक जाएं तो जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस दिन ही वो निर्णय गलत था, टाइमिंग गलत थी। कम से कम 1 सप्ताह उन माइग्रेंट को देना चाहिए था जिससे वो माइग्रेंट अपने घरों पर आ सके। उस निर्णय के कारण कि लॉकडाउन सिर्फ 4 घंटों के अंदर करा जाए, इसके लिए पूरे देश के
जो दिहाड़ी मजदूर थे और दूसरे प्रवासी थे वो अपनी अपनी कार्यस्थली के ऊपर ही रह गई। कार्यस्थली के ऊपर रोजगार नहीं मिलने के कारण स्थिति बिगड़ती गई और मजदूर के मानसिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर और सामाजिक तौर के ऊपर और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी ये प्राथमिकता हो गई कि वो अपने घर पर एक बार जरूर आए। मजदूर चाहता था घर पर आने के लिए, केंद्र सरकार के तरफ से जो नियम बने गए उन नियमों के अंदर लगातार बदलाव आते गए और नियमों के अंदर जब शिथिलता दी गई उस वक्त हम सब लोगों को शिथिलता के अंदर हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरह से भी उनकी मदद कर सके, चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, समाज का हर वर्ग है, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। सर, यूपी में अभी जो रहा है, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मजदूरों के ऊपर सियासत कर रही है अभी उत्तर प्रदेश। हमको सबको मदद करनी चाहिए, सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है इसके लिए उसमें मिश्रित होने की जरूरत नहीं। हर राजनीतिक दल को, हर समाज सेविक संस्थाओं को, हर व्यक्ति को इसमें मदद करनी चाहिए। अगर कोई एक मजदूर को राहत पहुंचा सकता तो एक मजदूर को राहत पहुंचाई। ये बयानबाजी, जुमलेबाजी और जो मूल मुद्दे से हटाने का बीजेपी की प्रवृत्ति है, पर इस आपदा के समय में मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये आपदा का समय है, हमको सबको ये मदद करनी चाहिए उन प्रवासी मजदूरों की। राजस्थान के संदर्भ में टिड्डी का एक बहुत बड़ा अभी जो फैलाव है राजस्थान में बढ़ रहा है, अजमेर तक टिड्डी का प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपने एक प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है कि राजस्थान में एक बड़ी समस्या टिड्डी के प्रकोप की बढ़ती जा रही है, क्या कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए गए, केंद्र से जो मांग की गई कितना सहयोग मिला? ये कई खतरनाक भूल जो पहले हम लोगों ने कोरोना के संदर्भ में, जब जनवरी की आखिरी सप्ते के अंदर WHO ने जो हाईएस्ट अलार्मिंग वार्निंग दी हमारे देश ने और दुनिया के अंदर कई और देशों ने उसको नज़रअंदाज किया, जिसको आज हम लोग धरातल के ऊपर देश के तौर पर और हर नागरिक के तौर पर भुगत रहे हैं, वो वापस दोहराया नहीं जाए। आज से 3-4 महीने पहले FAO जो UN की खुद की एक संस्था है जो टिड्डी नियंत्रण के संदर्भ के अंदर कोऑर्डिनेशन करती, उन्होंने जो हाईएस्ट अलार्मिंग स्टेज थी वो बताई, रेड स्टेज बताई। हम लोग लगातार उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर लगातार, चाहे केंद्र सरकार के टिड्डी महकमे के संदर्भ में हो, चाहे UN के संदर्भ में हो, FAO के, कि इसको प्राथमिकता से हम लोगों को इसको एड्रेस करना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि अभी तक वो प्राथमिकता ही धरातल के ऊपर और फैसलों में नजर आ नहीं रही है। अगर हम लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाले समय के अंदर किसानों को और देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हरीश चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी का संकट देश में आज देखने को मिल रहा है, WHO की वार्निंग के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं सचेत हुए, ऐसे में अब टिड्डी का प्रकोप भी उसी तरह से बढ़ रहा है। अगर आज भी देश इस महामारी के चलते और जिस तरह से टिड्डी का प्रकोप बढ़ रहा है, इस टिड्डी नियंत्रण के प्रयास नहीं किए गए तो एक बड़ी चुनौती देश के सामने होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।